19 साल तो मुशहरे रखे है जी, बड़ी मेहनत मतलब पुत्ता वांगू ही पाली है जी। लोग सैल्फियां कराउंदे आ, कोई स्टोरी पाएगा, कोई मतलब रस्ते च जांदे नूं किसे काम लई भी जांदा वा तां कहणगे यार ओह जांदा यार ओह रील वाला दुध वाला बाबा, वड्डियां मुशहरियां वाला बाबा जांदा। 22-23 इंच लंबाई होगी जी इत्थों स्टार्ट तों दोनां दी। मोगे वाली पट्टी वाली साइड तों मेरे को सिंह आए सीगे, बड़े उच्चे लंबे जवान, 6 फुट कद होगा शायद उन्हां दा, गोरा रंग। मैनूं कहिंदे जी मैं बाबा जी पिछली बार मैं तुहानू देख के प्रभावित होया, मैं जदों अगली बारी आवांगा ना मैं पगड़ी सजा के आउणी सिर ते। गुरु साहिब ने कृपा की, वह दस्तार सजा के आया, बड़ा सोहना लग्या। कहिंदा बाबा जी मैं अगली बारी आऊँगा, गुरु साहिब कृपा करन ते मैं केस भी रख के आवांगा। और सच्चाई जाने मेरे ख्याल ना 6 महीने बाद वो आया होना, उन्हें केस भी रखे थे। मैं तो चुप ही हो जाता जी जो मेरे ना कोई फोटो करवा, मेरे मुँह का दो ही लग निकलते हैं जी, एन तो धन भाग महाराज जी। अमेरिका तो एक संगत आई, कहते भी असी क्या सीधी अमेरिका तो जो उन्होंने फ्लाइट लैंड की, वह कहें कि मैं असी जो अमृतसर की धरती से जावे गुरु रामदास जी के दर्शन करने तो बाद असी मशहर वाले सिंह को दुध जरूर पीना। और दुध मेरे को पी के गए बाबा जी, और मैं $500 अमेरिकन मैं इनाम वजो या सत्कार वजो भेटा वजो मैं दे गए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सरदार सिमरनजीत सिंह, गुरु बॉबी राजा भी कह देंगे जी प्यार दे नाल, श्री अमृतसर साहब तो ही आ जी। पिछोकड़ पिंड मेरा खालड़े, भिखी पिंड खालड़े लागे थे कला मेरा पिंड आ जी। परिवार दे विच मैं, मेरे माता जी, वड्डे भाई साहब, दो भैणा। मुशहरे जी मैनूं 19 साल हो गए बाबा जी रखे नूं, गरेवाल साहब 19 साल तो मुशहरे रखे आ जी, बड़ी मेहनत मतलब पुत्ता वांगू ही पाली आ जी, बहुत बड़ी सांभ संभाल बहुत करनी पैंदी है जी। किन्ना खिच्च दा केंद्र बणे होए आ जी, तुसीं इत्थे दुध काम करदे हो, लोक की आ के फोटो लवाउंदे जी, की कहणा चाहो जी? फोटोआं जी इकट्ठी हो जांदा जी, तुसीं देखिआ ही आ, लोग सैल्फियां कराउंदे आ, कोई स्टोरी पाएगा, कोई मतलब रस्ते च जांदे नूं किसे काम लई भी जांदा वा तां कहणगे यार ओह जांदा यार ओह रील वाला दुध वाला बाबा, वड्डियां मुशहरियां वाला बाबा जांदा। सो कई वारी घर तक भी अप्रोच हो जांदी आ लोकां दी, संगतां दी आ जांदे आ, बड़ा प्यार दिंदे जिथे भी जांदा, यानी कि पछाणदे आ लोग गुरु साहिब दी कृपा नाल। नहीं कदी नहीं जी, इहदे वर्का ही पार दिओ जी, जेकर केस ना रखे होंदे हाँ जी गुरु साहब की कृपा ना होई होंगी तो वो भी नहीं होंगी जी, होंद ही नहीं होनी सी, पछाण ही कोई नहीं होनी सी, कि कोने चे ठेडे डूडे खांदे ही नजर आना जी। गल करिए मुशहरे की लंबाई कितनी आ ते की इस्तेमाल करते हो, कितना कि मेहनत करते हो? लंबाई बाबा जी 22-23 इंच लंबाई होगी जी इत्थों स्टार्ट तों दोनों दी। इस्तेमाल तेल है मेरा एक अपना नुस्खा है देसी तैयार करके, उ मैं इस्तेमाल करता वा, जेकर होर कुछ ना मिले तो तेल जरूर लाना, जिमें अपनी भोजन खुराक आ पेट की है ना, अपने जी लिए भोजन की बड़ी लोड़ आ, इसलिए इन्ह की खुराक सिर्फ तो सिर्फ तेल ही है जी, इन्हों सिर्फ तेल ला के इन्हें मालच करके मेहनत साफ संभाल साफ सफाई का ख्याल घटे मिट्टी डस्ट तो बचना पैंदा वा। परिवार नूं तां मेरे तो ज्यादा खुशी हुंदी आ जी, मैं तां खैर हुण एक कह लो कि मैं तां चुप ही हो जांदा जी जदों मेरे नाल कोई फोटो करवाउण आउंदा, मेरे मुँह दा दो ही लफ्ज़ निकलदे आ जी, एन ते धन भाग महाराज जी, मान सत्कार दित्ता। सो मैं उन्हां नूं कोशिश करदा कि ज़्यादा सत्कार देवां, नीवा रहन की कोशिश करा, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईआं तत्। सो कोशिश हुंदी आ नीवे रहन की कोशिश हुंदी आ, सो परिवार नूं बहुत ज़्यादा खुशी हुंदी आ जदों पिंड भी जाईदा, अक्सर मेरे पिंडों फोन आउंदे आ जां भाई साहिब नूं आ के कहिंदे आ जी बाबा जी कित्थे जी इहनां नूं मिलणा, सो बड़ी खुशी हुंदी आ जी परिवार नूं ते मेरे तों वी ज़्यादा खुशी हुंदी। छोटे मेरे भतीजा भतीजी उह बहुत खुश हुंदे आ जी। असीं देखदे आ ज़्यादातर नौजवान ने ओह ज़्यादातर गायकां नूं लै के जां फिल्मी एक्टरां नूं लै के उहनां वल प्रभावित हुंदे ने, ठीक है, उहनां दे फेस वल, उहनां दी हेयर स्टाइल वल। इस तरह होया कदी तुहाडे केस वल जां तुहाडे बाणी वल वेख के लोक नौजवान जिहड़े प्रभावित होए जी? बिल्कुल हाँ जी, मोगे वाली पट्टी वाली साइड तो मेरे को सिंह आए सीगे, बड़े उच्चे लंबे जवान, 6 फुट कद होगा शायद उन्हां दा, गोरा रंग। मैनूं कहिंदे जी मैं
बाबा जी पिछली मैं तुहानू देख के प्रभावित होया, मैं जदों अगली बारी आवांगा ना मैं पगड़ी सजा के आउणी सिर ते। मैं कहा जी बहुत वधिया गल, बड़ी सोहणी गल, मैं कहा जी ये लैण ते आ रहा, इहनू टोकिया ना जावे ज्यादा, ये आपे ही लैण ते आ रहा। चलो गुरु साहब ने कृपा की, वह दस्तार सजा के आया, बड़ा सोहना लग्या, फोटो कराई, मेरे को दुध पीता, 10 मिनट बैठे विचार होए गुरमत दे कोई, कहिंदा बाबा जी मैं अगली बारी आऊँगा गुरु साहब कृपा करन ते मैं केस भी रख के आवांगा। और सच्चाई जाने हो मेरे ख्याल नाल 6 महीने बाद वो आया होना, उन्हें केस भी रखे थे बाबा जी। सो बड़ी खुशी हुई, फिर मैं अपने माता जी ने गल जाके शेयर की, मन दे विच वराग आ गया कि यार गुरु साहब ने इन्ने जोगा बनाया कि वेख के एक नमाणे जे मेरे गरीब वाले वेख के किसी का जीवन बदल जाए। सो मेरा आया सफला हो गया बाबा। आखिर इस तरह बहुत भाई मान सम्मान मिले हो, कोई देशा देशा संगत आई हो, तो थोड़ा वेख के जरा माला जरा पाया वा, थोड़ा जरा सारा प्रकाश वेखेगा, मुशहरा वेख के किसी ने आके जफी पाई हो आराम गुरु सिंह अखली है। काफ़ी वाक्य होया रीसेंटली, एक न्यूजीलैंड तो सिंह आए, उन्होंने कहा जी मैं कर उस बंदे नूं इह कृपान भेटा करूँगा। जदों न्यूजीलैंड तो तुरे उन्होंने अपने मन में सोचा जिहड़ा मैनू अमृतसर की धरती दा वक्खरा नज़र आऊगा, जदों मेरे वल उन्हां दी गुरु साहिब की कृपा दे नाल नज़र पई, उन्होंने मैनू देखिया और भज के गले ना लाया, उन्होंने कहा जी भी तुसीं वक्खरे रख लए, मैं तुहाडे सामने कुछ नहीं लगदा। तो मैं कहा नहीं वीरे, आपां गुरु साहब अगे कुछ नहीं है, आपां सारे एक नमाणे आ। उन्होंने मैनू कृपान भेटा की। उस तो बाद एक होर वाक्य होया, अमेरिका तो एक संगत आई, कहिंदे भी असीं क्या सीधी अमेरिका तो जदों उन्हां दी फ्लाइट लैंड की, वह कहिंदे कि मैं असीं जदों अमृतसर की धरती से जावांगे गुरु रामदास जी के दर्शन करन तो बाद असीं उह मशहर वाले सिंह को दुध जरूर पीना। और वह दुध मेरे को पी के गए बाबा जी, और वह मैनू $500 अमेरिकन मैनू इनाम वजो या सत्कार वजो भेटा वजो मैनू देख गया। इन्ना प्यार मिलता बाबा जी। लास्ट सवाल मेरा जी, नौजवान जो नौजवान जी, देखो कोई मुश्किल नहीं है जी, ये तो एक बहाना है जी, कई कह देंगे मेरा सरकार सतगुर प्रसाद खड़ग खंडा असी अरगर धर्मराज तक क्षत्री विश्वपाल भूपाल पश पलपाश रण का क्षत्री राजमंडा अत प्रचंडा ईश्वरी करवार है शक्त ब्रह्मी वैष्णवी भवानी तू तरवार है नित ज्योति मुक्तदायक धारा धार कृपान है चंडका मंडका मृतका जगत जननी काल का गुणखान है पवमान का खलहान का रतपान का जगमान है ये कवच ब्रह्मा को बतीसा पड़े जो नित क्षत्री रणजीत रह निर्भीत रह रिद सिद्ध पावे अत्री लै वेद भेद जो पड़े बिपर बैस धन सुख संपदा धन ताम धन अरोग सूद्र पाए सुख अकंपता ये बोला हर गोबिंद का सुनो खालसा वीर फतेह पाओ मैदान में पकड़ हाथ शमशीर ये बोला हर गोबिंद का सुनो खालसा वीर फतेह पाओ मैदान में पकड़ हाथ शमशीर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गज के जकारे गजावे निहाल हो जावे फतेह पावे गुरु गोबिंद पातशाह दे मन नूं पावे सत श्री अकाल गुरबरे अकाल देख तेग फतेह खालसे दा हर मैदान फतेह वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह।